नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की बड़ी घोषणा। 48 घंटे के भीतर मिलेगा श्रमिकों की बेटियों को 51,000 का कन्यादान। आखिर क्या है मामला, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। हरियाणा में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शादी के समय दी जाने वाली आर्थिक सहायता, लड़कियों का कन्यादान और मृतक श्रमिक के आश्रितों को सहायता राशि आवेदन के 48 घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए। सहायता राशि में देरी पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का जवाबदेही तय की जाएगी। प्रदेश में श्रमिकों की बेटियों की शादी में सरकार की ओर से 51,000 रुपये का कन्यादान दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रमिक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए गए। श्रम एवं रोजगार का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक में कहा कि बोर्ड द्वारा सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इसे पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया सरल होगी, साथ ही यह कार्य में पारदर्शिता आएगी और काम तेजी से होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दूसरे राज्यों में पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं का अध्ययन करें। अगर प्रदेश सरकार को कोई योजना हितकारी लगेगी तो उसे यहाँ भी श्रमिकों के लिए लागू किया जा सकता है। मनेरी चैनल के साथ धन्यवाद।